हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। पहले जी हम बात करेंगे एक जबरदस्त किस्म के ओलंपिक्स की। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स में जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया के नीरज चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया है और उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियंस। और लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि नीरज चोपड़ा जी जो है वो इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी का भी हिस्सा हैं। और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की, बड़ी डिफरेंट सी बात है जो हमें पता चली और बड़ी खुशी हुई के इस तरह के एथलीट्स जो है वो आर्मी से भी निकल सकते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए और अपने यहाँ जो लोग अच्छा खेलते हैं वो वाला नहीं, वो जो DHA बनाते हैं, वो जो बाहर पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, वो वाला खेल खेलने की बात नहीं कर रही, असल में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह के लोगों को भी सामने लाएं और कोशिश करें कि थोड़ा सा सही लेकिन नाम थोड़ा सा बेहतर हो सके हमारी आर्मी का भी। लेकिन खैर, हम दोबारा आते हैं ओलंपिक्स की तरफ और बहुत अच्छा खेला नीरज चोपड़ा जी ने और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप कि आगे भी हम इनको इसी तरह अच्छा खेलते देखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के जो एथलीट गए थे अरशद नदीम ने बहुत अच्छी कोशिश की और जिसे कहते हैं कि बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी खास यानी गवर्नमेंट सपोर्ट या किसी किस्म के उसके बगैर वो बहुत आगे तक पहुंचे, 5th नंबर पर आए और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सब पाकिस्तानी उनके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अरशद नदीम जो हैं वो उन्होंने हिस्सा लिया ओलंपिक्स में और वो इतने आगे तक गए। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक्स होंगे तो अरशद और आगे हमें कोई ना कोई मेडल लेते हुए भी नजर आएंगे और इसके लिए मेरे ख्याल है हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जबरदस्त खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अरशद नदीम ने भी। हम लेकिन ये जरूर कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी होते हैं ओलंपिक्स, क्योंकि कोई पता नहीं, आप जानते हैं कोरोना कोरोना हो रहा है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम ओलंपिक होते हैं और इस तरह का कोई ये भी गेम होता है, जाहिर है जैसे आप लोगों ने देखा कि जो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने जिसमें हिस्सा लिया, तो बिल्कुल इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो बेहतर कैंडिडेट हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन्हें भेजा जाना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी हैं। इसलिए कि इमरान खान साहब जितनी लंबी फेंकते हैं उतना तो दुनिया का कोई एथलीट भी नहीं फेंक सकता। देखिए ना, कभी कहते हैं जापान और उसके जो है जर्मनी के बॉर्डर में ला देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं यूरोप को यूरोपियन से ज्यादा जानता हूँ, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो उनकी जिस तरह से वो कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान को का पासपोर्ट जो है उसको, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसकी बड़ी इज्जत करवा देंगे, कभी आप जानते ही हैं किस किस तरह की बातें खान साहब ने कही थी, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और सारी दुनिया में। एक बड़ा मजेदार किस्सा, देयर वाज स्विमिंग के कोच होते थे ख्वाजा असलम, नाउ इज ऑफ कोर्स अल्लाह उनके गरीब की रहमत करे, तो वो एशियन गेम्स में स्विमिंग के कोच थे। तो उसके बाद जब वापस आए, पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीता ऑफ कोर्स, तो जब उनको पूछा गया, सबसे पूछे थे हर कोच से कि भाई आपके पास मेडल नहीं है, आपके पास मेडल नहीं है, जब ख्वाजा साहब के पास आए और पूछा कि मेडल कोई नहीं ख्वाजा साहब, तो ख्वाजा साहब ने कहा शुक्र करो कोई डूब नहीं गया। जिस तरह की तुसी फैसिलिटीज दी उन्होंने सानू, स्विमिंग के हमारे कोच कह रहे शुक्र करो कि डूब नहीं गया, क्योंकि मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि काश नजमा क्वालिफाइंग राउंड में जीत जाए। अब आप लोगों की दुआओं पे है, अब आप लोगों की दुआओं पे भी है भाईजान, दुआ में भी असर होना चाहिए ना, हर चीज फिटनेस हर चीज उस पर तो नहीं होगा। अब फैसलाबाद की नजमा भी भागेंगी 200 मीटर पे, अब नजमा भागेगी, अब नजमा भागने से मुल्क का कोई फायदा होता है कि नहीं होता, ये है भाई PTV पे लाइव आ रहा है भाई, वो रहा पाकिस्तान का झंडा। ये बहुत खतरनाक लग रही मुझे भाई, ये लड़कियां हैं भी हैं कि नहीं है,
हमारी बहन का मुकाबला इतनी खतरनाक जगह पे हो रहा है, हमारी बहन का मुकाबला हो किन से रहा है, ज्यादती है ना, ये देखो ये क्या आइटम है भाई ये। चलो भागो नजमा, कम ऑन नजमा, थैंक यू सो मच पीटीवी स्पोर्ट्स फॉर शोइंग दिस, बट भाग नजमा भाग, वो पीछे गोरी सबसे पीछे हो गई क्या, उड़ी नजमा कहाँ है, नजमा कहाँ है, नजमा मेरी बहन कुकिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, किनको भेजा हुआ है भाई, वो नजमा कहाँ है भाई, वो आई अभी मेरी बहन, बाजी मतलब बाजी लास्ट आई हो क्या, चलो कोई बात नहीं, उसके साथ कोच भी नहीं गया होगा देखना, ये अच्छा ये है नजमा मेरी बहन, हमारी बहन भागी, ये भाई देखो ना ये तो ब्लैंका, वो स्ट्रीट फाइटर की ब्लैंका लग रही है, इससे क्या मुकाबला करा रहे हो हमारी बहन का, वो देख रहे हो वो पकड़ में नहीं आया किसी की वो इंसान। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, पाकिस्तान की एंकर अर्जू काजमी बात कर रही थी, पाकिस्तान के जो ओलंपिक में आए थे इंडिया के जो नीरज चोपड़ा जी के सामने जो मतलब एक पाकिस्तान के भी प्लेयर थे अरशद नदीम, हालांकि मैं उनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, कल मैंने उस वीडियो में बोला था कि वो अरशद नदीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, जिस हिसाब से उनके पास फैसिलिटी थी, उनका घर काफ़ी मतलब हम्बल पुअर बैकग्राउंड से थे, तो वो मतलब उनका परफॉर्मेंस ठीक था, फिफ्थ पोजीशन हासिल की इतनी कम मतलब फैसिलिटी के बाद, और अरशद नदीम ने अपना आइडियल नीरज चोपड़ा को पहले ही मतलब बता दिया था कि ये उनके आइडियल हैं, मतलब इनके साथ वो पहले गेम खेल चुके थे, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में वगैरह में खेल चुके थे, तो उन्होंने बता दिया था कि नीरज उनके आइडियल हैं, जबकि एज में वो नीरज से बड़े हैं। दोस्तों पाकिस्तान की एंकर आरजू काजमी ने बताया कि नीरज, ऑब्वियसली आपने मीडिया में देखा होगा नीरज इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, राजपूताना राइफल्स के सूबेदार हैं, और इंडियन आर्मी के कई प्लेयर ऐसे आ चुके हैं जो आपको पता होगा ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुके हैं भारत को, आई थिंक 2011 के ओलंपिक में शायद शूटिंग में भारत के आर्मी के बंदे ने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो दोस्तों पाकिस्तान अब जो कंपैरिजन कर रहा है भारत के साथ वो ठीक है, होता है, क्योंकि आपको भी पता है जहां जिन देशों की मतलब कल्चर लैंग्वेज सेम होते हैं, मतलब एक दूसरे को समझते हैं, तो वो एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आपके घर के बगल में अगर आपके ही मतलब बोलने वाला साथ बोला बंदा रहता है तो वो आपका कंपैरिजन उनसे बनता है, पाकिस्तान भारत से 1947 से कंपैरिजन करता है, हालांकि भारत को पाकिस्तान से खुद का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, भारत को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए किसी दूसरे देश से जो कि ज़्यादा मेडल जीतता है। आपको भी पता है कि 130 करोड़ की आबादी में 7 मेडल तो नहीं है, लेकिन ये भी एक बात है कि भारत का ये सबसे अच्छा ओलंपिक रहा है, भारत की स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने बोला है कि 2028 का ओलंपिक भारत का सबसे अच्छा ओलंपिक रहेगा, जो स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू थे उन्होंने ये बयान दिया है। तो उम्मीद करते हैं भारत भी एक स्पोर्टी नेशन बने, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे यहाँ एक ही गेम पॉपुलर है क्रिकेट, क्रिकेट में आप समझ सकते हो आईपीएल के एक मैच की व्यूअरशिप ओलंपिक के सारे गेम्स की व्यूअरशिप से भी बड़ी होती है, तो इस तरीके का पागलपन है क्रिकेट का जो कि डेफिनेटली दूसरे गेम में इंटरेस्ट नहीं आने देता है। तो अब वो भी ऐसा कुछ हो, ऐसे कुछ प्लेयर आए जो ऐसा परफॉर्मेंस दे कि दूसरे गेम में भी इंटरेस्ट आए, हालांकि दूसरा मेन रीज़न है भारत में स्कूल वगैरह में ग्राउंड आजकल होते नहीं, होते भी हैं कॉलेजेस में अगर आप देखते हो तो स्पोर्ट की जो फैकल्टीज़ हैं वो सीरियस नहीं होती स्पोर्ट को लेकर, बच्चे भी स्पोर्ट को बस वहाँ पर कॉलेजेस वगैरह में भी क्रिकेट को खेल लेंगे और फुटबॉल को एमेचर के रूप में खेल लेंगे, बैडमिंटन वगैरह खेल लेंगे, लेकिन इस तरीके के जैवलिंग थ्रो
और डिस्कस थ्रो, इस तरीके के गेम में शायद ही आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो हमें टैलेंट निकालना पड़ेगा। टैलेंट ऐसा तो है नहीं कि ये गेम बिल्कुल हमारे लिए इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली ये गेम में हम और भी अच्छा कर सकते हैं और भी आने वाले समय में मेडल ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ ना कुछ निकले सॉल्यूशन। और एक्चुअली में क्रिकेट की जो डोमिनेशन है वो तो मुझे नहीं लगता है ख़त्म हो सकती है। एक अगर लिमिटेड पॉपुलेशन में कुछ ऐसा कल्चर आ जाए कि वो दूसरे गेम्स, मैं बोलना चाह रहा हूँ एग्जांपल फॉर जैसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखें आप, 2.5 करोड़ की आबादी, अगर भारत की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी दूसरे गेम में इंटरेस्ट लेना चाहती है क्रिकेट की डोमिनेशन के अलावा, तो शायद हम डेफिनेटली ओलंपिक में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओलंपिक्स में आपने देखा कि सिचुएशन क्या है, छोटे छोटे देश भी बहुत सारे मेडल लाते हैं।